हाय टेंथ क्लास, हाउ आर यू। कोरोना के बाद अब आपको केवल और केवल 60% कोर्स ही पढ़ना है, 40% आपका डिलीटेड कर दिया है। इस वीडियो में इंग्लिश का हम आपको बता रहे हैं, बाकी सारे वीडियो के अंदर हमने अलग अलग से बताए हैं सारे सब्जेक्ट के। यहां पर आपके टेंथ क्लास का इंग्लिश कंपलसरी का हम आपको बता रहे हैं कि आपका जो है 40% कोर्स कौन सा कट किया है, कौन सा नहीं किया है। ये आपके राइट हैंड साइड में सबसे टॉप में आप पेज नंबर 1 देख रहे हो। ये पेज नंबर 1 के जैसे आपके पेज नंबर 10 है, 10वां पेज नंबर आपके जो है वहां पर आपके जो कट किया हुआ है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले 9 के 9 पेज नंबर है वहां पर आपके जो कोर्स में क्या है, आपका शेड्यूल क्या है, किस तरह से आपको इंग्लिश का किस तरह से पेपर करना है और कौन कौन से कोर्स के अंतर की किताब है और कौन सी आपकी ग्रामर है, सब की सब यहां पर बताएंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही। तो पेज नंबर 9 तक आपका जो है, पेज नंबर 9 तक आपका जो है कोर्स के अंदर है वो है, क्योंकि पेज नंबर 10 के अंदर ही जो डिलीटेड यानी कि जो आपके कोर्स हटाया गया है वो आपको बताया जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में बहुत कम कोर्स हटाया है और बाकी सारे सब्जेक्ट में काफी कुछ हटाया है, इसलिए आपको इंग्लिश में मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू करते हैं, देखिए सबसे टॉप में लिखा हुआ है टेंथ इंग्लिश रिवाइज यानी संशोधित कोर्स 2021 और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर रिवाइज सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। क्लास आपकी टेंथ है, इंग्लिश कंपलसरी है, सब्जेक्ट कोड आपका सेकंड है। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द सब्जेक्ट इज एज फॉलोवर्स, आपके पेपर 1 ही होगा, टाइम आपका 3.25 घंटे का है, मार्क्स आपके 80 है और सेशनल आपके जो है 20 नंबर के हैं और उसके बाद में टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा। तो 80 नंबर का जो यहां पेपर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका 20 नंबर का भेजा जाएगा। चलिए आपको समरी बता देते हैं यहां पर। समरी का मतलब होता है शॉर्टकट में आपको यहां पर बताया जा रहा है टेंथ इंग्लिश रिवाइज संशोधित कोर्स 2021 में आपका ये पेज नंबर 2 है। एरिया ऑफ लर्निंग के अंदर यानी आपको क्या पढ़ना है और क्या आपके कोर्स में कुल 80 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपका कोर्स बनता है वहां पर आपके सबसे पहले रीडिंग है, रीडिंग आपके 14 नंबर का है और रीडिंग के अंदर आपके अनसीन पेसेज वगैरह आते हैं तो ये आपके 14 नंबर का है। उसके बाद में राइटिंग आपके 14 नंबर का है, इसके अंदर भी आपके लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह जो आपके हैं वो आपके 14 नंबर का है। डिटेल से आपको इसके बाद में बताएंगे जो आगे वाले पेज है जो आपके 9 पेज नंबर तक सारा डिटेल से बता देंगे। ग्रामर आप जानते हो, ग्रामर आपके 15 नंबर की है। टेक्स्ट बुक आपके पहली है जो गोल्डन रेज है वो आपके 23 नंबर की यानी 23 नंबर की है। सप्लीमेंट्री बुक आपके है रिजोल्यूशन वो आपके 10 नंबर की है, यानी कि कुल मिला के दोनों बुक्स आपके 33 नंबर की है। उसके बाद में रोड सेफ्टी एजुकेशन जो आपके हिंदी और इंग्लिश के अंदर है ये आपके रोड सेफ्टी एजुकेशन 4 नंबर का है। तो इस तरह से रीडिंग 14, राइटिंग 14, ग्रामर 15, टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज आपके 23 नंबर का, सप्लीमेंट्री बुक रिजोल्यूशन आपके 10 नंबर का है और रोड सेफ्टी एजुकेशन आपके 4 नंबर का, और कुल मिला के आपका पेपर हो गया 80 नंबर का। अब इस 80 नंबर के पेपर को विस्तार से बताने जा रहे हैं, इससे पहले कि हम बता दें कि बाकी वाले सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से आपके समझाए हुए, क्योंकि ये सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है, सेकेंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है और उसके बाद में थर्ड लैंग्वेज में आप जो भी लेते हैं ज़्यादातर संस्कृत लेते हैं। इसीलिए हमारा चैनल जो संस्कृत को समर्पित है, कक्षा 6 से 10 तक संपूर्ण संस्कृत हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है, पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया हुआ है। ये तो आपके यहां पर दूसरे सब्जेक्ट केवल आपके लिए यहां पर हम बता रहे हैं कि संशोधित कोर्स रिवाइज कोर्स कौन सा है। तो चलिए लेते हैं पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 3 पर आप देख रहे हैं रीडिंग को विस्तार से बताया गया है, जो 14 नंबर का पीछे जो हमने समरी देखा था शॉर्टकट में वहां पर रीडिंग 14 नंबर का था, यहां पर आपको विस्तार से बताया जा रहा है। रीडिंग आपके देखिए 2 अनसीन पेसेज ऑफ टोटल 350 वर्ड्स विद ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 4 मार्क्स फॉर वोकैबुलरी। ओके, 1 प्रोस मैसेज विल बी यूज्ड, 1 विल बी फैक्चुअल एंड द अदर विल बी लाइटरली। ओके, उसके अंदर आपका ये अनसीन पैसेज है, तो फर्स्ट पैसेज के अंदर आपके 150 वर्ड्स होगा, ये 7 मार्क का होगा, 4 और 5 कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। सेकंड पेसेज के अंदर पेसेज सेकंड है वो आपका जो है 200 वर्ड्स का है और फर्स्ट पेसेज आपके 150 वर्ड्स का होगा और सेकंड है जो आपके 200 वर्ड्स का होगा, ये 7 मार्क का होगा। 4 और 5 कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे जो 7 नंबर के होंगे।
तो पहला पॉइंट आपका रीडिंग 14 नंबर का 77 मार्क के दो आपने जो पैसेज है वो अच्छे तरह से समझ लिया होगा। अब चलते हैं अपन राइटिंग की ओर। पेज नंबर फोर के अंदर सेकंड नंबर पॉइंट है राइटिंग, ये भी 14 नंबर का है, 14 नंबर का है। तो इसके अंदर फर्स्ट है लेटर राइटिंग, 1 out of 2 यानी दो में से एक आपको लेटर लिखना है इंग्लिश में। इसका कैसा टाइप है, किस प्रकार के आएंगे, इनफॉर्मल, पर्सनल, सच एज टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि फैमिलियर या फ्रेंड्स को किसी को लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल इस तरह का आपको लिखना है, या फिर ईमेल, फॉर्मल लेटर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन। ये भी 5 नंबर का लेटर आपको पूछा जाएगा, जो इसमें डिफरेंट टाइप के इसमें से आपको और में पूछा जाएगा। सेकंड है राइटिंग ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए गिवन आउटलाइन, आउटलाइन आपको दी जाएगी उस पे आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है और टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड यानी 60 वर्ड में लिखना है। ये आपके 4 नंबर का है, दोनों आपके ऑब्लिक में है। थर्ड नंबर पे आपके कंपोजिशन है, कंपोजिशन में शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल एंड और विजुअल स्टिमुलस, इसके अंदर आपको डायग्राम, पिक्चर, ग्राफ, मैप चार्ट, टेबल, फ्लो चार्ट एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी है ना। और मैक्सिमम वर्ड्स आपका होना चाहिए 75 और ये भी 5 नंबर का है ना। 5 नंबर के दो, एक लेटर 5 नंबर का, कंपोजिशन के अंदर 5 नंबर का है 10 हो गए, और 4 नंबर का आपका राइटिंग शॉर्ट पैराग्राफ है, इस तरह से आपके 14 नंबर हो गए। उम्मीद करता हूं आपको राइटिंग भी समझ में आ गया। तो चलते हैं पेज नंबर 5 पर, ठीक है ना। 5 पर जाने से पहले आपको बता देते हैं कि कोरोना के कारण जो छुट्टियां हुई थी उससे कोर्स कम कर दिया था, 40% 60% ही आपको केवल पढ़ना है, 60% कोर्स से ही आपका बोर्ड एग्जाम होगा। आप बड़े भाग्यशाली हो सकते हैं लेकिन समय भी कम है। तो लीजिए चलिए आपके 5 नंबर पेज नंबर आ गया, 10th इंग्लिश रिवाइज संशोधित कोर्स 2021 अभी चल रहा है। 15 नंबर की ग्रामर है, तो ग्रामर केवल 5 ही नहीं 6 पे भी आपको समझाई जाएगी। तो यहां पर ग्रामर के अंदर जो आप देखिए, ए वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर विद इन ए कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टाइप यूज्ड विच इंक्लूड क्लोज गिव फिलिंग एंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन एंड सेंटेंस रिकॉर्डिंग एंड डायलॉग कॉम्प्लेन एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंक्लूडिंग कॉम्बोनिंग सेंटेंस। ये आपके जो है आपके ग्रामर के अंदर है, जो आपके टीचिंग टीचर से आपका कंसल्ट करके इसका डिटेल पूछ सकते हो। फिलहाल चलते हैं पेज नंबर 6 पे, जो ग्रामर का अगला रूप है। पेज नंबर 6 आपको दिख रहा है, यहां पर द ग्रामर टीचिंग विल इंक्लूड द फॉलोइंग एरियाज। फर्स्ट नंबर टेंस, टेंस में आपका सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट एंड टेंस शोइंग फ्यूचर एक्शन। ओके, यहां आपको डिटेल से पढ़ना है। और सेकेंड नंबर यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव है ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना है, जो आपके हिंदी में वाच्य हैं और संस्कृत में वाच्य हैं वही आपका कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य यहां पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रूप में है। उसके बाद में थर्ड नंबर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये स्पीच आपको याद करनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके टीचिंग टीचर से कंसल्ट कर दें। उसके बाद में मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर कमांड एंड रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटीज और ऑब्लिगेशन, ये आपके कोर्स में है, इनको आपको पढ़ना है। डिलीट कौन सा गया है कोर्स आपके, वो आपके पेज नंबर 10 पे बताएंगे। फिलहाल अपन चलते हैं पेज नंबर 7 पे, वहां पर आपके टैक्स बुक से संबंधित बात है। जी हाँ, ये पेज नंबर आपका 7 है, यहां पर आपके जो रिवाइज कोर्स है उसका 4 नंबर का ये पोर्शन है। टैक्स बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडर आपके 33 नंबर की है। सबसे पहले प्रोज है जो कि आपके गोल्डन रेज का है, 14 नंबर का। इसके अंदर फर्स्ट है टू एक्सट्रैक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूडेड इन टैक्स बुक अप्रोक्सिमेटली 75 वर्ड्स ईच। ओके, प्रत्येक आपके 2 नंबर का होगा, तो 2 यहां पूछे
पूछे जाएंगे आपको एक्सट्रैक्ट्स, जो कि दो पूछे जाएंगे, तो एक चार नंबर का हुआ, कुल आठ नंबर के हुए, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट्स विल रिक्वायर अ फूड ऑन पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू सप्लाई द रेस्पॉन्सेज। ओके, वन मार्क्स इन ईच एक्सट्रैक्ट विल बी फोर वोकैबुलरी एंड रिमेनिंग थ्री मार्क्स विल बी फॉर टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रहेंशन। समझ में आ गया ना आपको? ओके, अब सेकंड नंबर देखिए। वन आउट ऑफ टू क्वेश्चंस एक्स्ट्रापोलेटिव इन नेचर बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द प्रोज लेसन फ्रॉम टेक्स्ट बुक टू बी आंसर इन अबाउट 60 वर्ड। थ्री नंबर का है, ठीक है ना। यहां पर आपको टू क्वेश्चन पूछेंगे आधे आधे नंबर, डेढ़ डेढ़ नंबर के, तो तीन नंबर का हो गया। इसके जस्ट नीचे तीन लिखा है, यह तीसरे नंबर वाले पॉइंट का है। तो यहां पर तीसरे नंबर वाला पॉइंट है, वन आउट ऑफ टू क्वेश्चन ऑन ड्रामा टैक्स। ओके, ड्रामा वाले पार्ट में से आएंगे। लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस 30-40 वर्ड्स में लिखना है, थ्री नंबर का आएगा। अब आपको पेज नंबर 8 पे ले चलते हैं। वहां पर पोएट्री और रिजोल्यूशन बुक दी हुई है। जी हाँ, ये पेज नंबर 8 है आपका। यहाँ पर पोएट्री गोल्डन रेज से दी हुई है 9 नंबर की। यहाँ आपके पहला पॉइंट है, वन आउट ऑफ टू रेफरेंस टू कॉन्स्ट्रक्ट फ्रॉम द प्रस्क्राइब्ड पोएम्स। ओके, चार नंबर की है। यहाँ पर आपको वो जो हिंदी में कहते हैं व्याख्या करना, वो आपको यहाँ पर करना है। सेकेंड आपका, टू आउट ऑफ थ्री शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन इंटरप्रिटेशन ऑफ देमेज एंड आइडियाज कॉन्टेंट इन द पोएम टू बी आंसर्ड इन 30-40 वर्ड ईच। ओके, यहां पर आपको दो प्रश्न पूछेंगे, लेकिन प्रश्न आपके सामने तीन होंगे। टू आउट ऑफ थ्री शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि आउट ऑफ थ्री मतलब तीन में से दो प्रश्न करने हैं जो पोएम के अंदर से ही आएंगे आपके, वो पांच नंबर के होंगे। दो प्रश्न ढाई ढाई नंबर के, टू एंड हाफ के। इसके बाद में आप देखिए सप्लीमेंट्री रीडर आपकी है, जो रिजोल्यूशन है वो 10 नंबर की। उसमें से किस टाइप के तीन प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, वन आउट ऑफ टू क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर टू इंटरप्रेट evaluate and analyze character plot or situation according in the lesson to be answered in about 80 words। यानी एक बहुत बड़े टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, दो में से एक है ना, वन आउट ऑफ टू क्वेश्चन, दो में से एक क्वेश्चन करना है। दो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपके पांच नंबर का होगा। उसके अंदर आपको क्या लिखना है, जो आपकी रिजोल्यूशन बुक है उसके अंदर जो है आपके किसी का कैरेक्टर पूछ लिया, प्लॉट और उसका अकॉर्डिंग टू लेसन, इसके अंदर कुछ भी आपको पूछा जा सकता है पांच नंबर का। उसके बाद में सेकंड नंबर में आपके वन आउट ऑफ टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी एक प्रश्न करना है दो में से, वो कैसे होगा, इंटरप्रेटेटिव एंड इवेल्यूशन नेचर बेस्ड ऑन लेसन टू बी आंसर्ड इन 30-40 वर्ड्स। 30-40 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, एक क्वेश्चन आएगा जो आपके रिजोल्यूशन बुक में से कोई भी पार्ट में से पूछ लिया जाएगा। अब आपके थर्ड नंबर, वन आउट ऑफ टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक प्रश्न करना है दो में से एक, और बेस्ट ऑन फैक्चुअल एक्सेप्ट ऑफ द लेसन, यानी यहाँ पर फैक्चुअल एस्पेक्ट पूछा जाएगा जो लेसन के अंदर होगा, उसका लेसन टू बी आंसर्ड इन 20-25 वर्ड्स, यानी 20 या 25 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, और ये क्वेश्चन आपके दो नंबर का होगा। इस तरह से आपके पांच नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन होगा वो आपके तीन नंबर का होगा, और एक होगा वो आपके दो का होगा। इस तरह से आपका ये रीडर बुक और उसका पोएम का हमने आपने पेज नंबर 8 पे बता दिया। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या है अपने पेज नंबर 8 पर जो आपके कोर्स में है। जी हां, ये पेज नंबर 8 हो गया। अब अपन पेज नंबर 9 पे आए हैं। यहां पर आप देख सकते हो रीड सेफ्टी एजुकेशन, ये आपके आएगा 4 नंबर का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद में पेज नंबर 10 आ जाएगा, वहां पर आपके कट कौन सा किया है, यानी डिलीट कौन सा कोर्स किया गया है। तो रोड सेफ्टी एजुकेशन में आपको पोस्टर मेकिंग, कॉर्पुलिंग, कॉम्प्रहेंसिव पैसेज एंड ड्राइवर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अप्रोबिलिटी अल्टरनेटिव्स और जनरल एक्सरसाइजेस एंड स्पीच राइटिंग एंड ड्रिंक ड्राइविंग, इसके बारे में आपको जो है रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में लिख
लिखना पड़ेगा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को, लेकिन लिखना इंग्लिश में क्योंकि है इंग्लिश। अब देखिए प्रेस्क्राइब्ड टेक्स बुक आपकी कौन सी है, एक तो गोल्डन रेज है जो पब्लिश्ड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से है, और उसके बाद में रिजोल्यूशन है वो भी पब्लिश्ड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से है, ठीक है ना। इस तरह से अभी तक आपने पेज नंबर 9 तक जो कुछ देखा है जो कुछ पढ़ा है वो आपके कोर्स में है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, क्योंकि कोरोना काल चला गया, अब आपको तैयारी करनी है क्योंकि अभी आपके एग्जाम होंगे उसके अंदर ये जो कट वाला कोर्स है, हालांकि इंग्लिश के अंदर कुछ ज्यादा ही है और कट थोड़ा कम हुआ है, जो पेज नंबर 10 पर अभी जस्ट आपको बताने वाले हैं जो कट किए गए पार्ट है, ग्रामर बिल्कुल भी कट नहीं की है, लेकिन आपके जो है दूसरा पार्ट में से यानी लेसन में से यानी टेक्स बुक्स में से जो कट किया वो हम आपको बता देंगे, लेकिन इसके अलावा आपको जो है बाकी सारे सब्जेक्ट के जो जो रिवाइज कोर्स है वो हमने हमारे चैनल पर चढ़ा रखे हैं वीडियो, सारे के सारे आप देख करके उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। हमारी जो एडवाइस है यही है कि आप लोग जो है तैयारी करें तो उसका जो कोर्स के अकॉर्डिंग यानी अकॉर्डिंग सिलेबस ही तैयारी करें, उसके अलावा आप लोग कुछ भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि छुट्टियां काफी मिल चुकी है, कुछ बच्चों को तो बहुत टेंशन हो रही थी पहले से ही पढ़ रहे थे, एक एक बार कोर्स पढ़ लिया है तो वो बच्चे आपको कब उस बच्चों तक आप कब पहुंचेंगे, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और इसके बाद में देखिए भगवान भला करेगा, क्योंकि कोरोना टाइम चला गया और ये इस तरह की एक बीमारी थी जो मतलब अभी तक एक्टिव है, और उसके बाद में इसका क्या होता है क्या नहीं होता है वो उस ऊपर वाले पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है, और हम आपके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, लेकिन साथ ही आपको पेज नंबर 10 ही बता देते हैं, उसके बाद में वीडियो ही पूरा कर देते हैं। तो लीजिए आपके सामने पेज नंबर 10 है और यहाँ पर कुछ अलग सी स्याही से लिखा हुआ है 10th इंग्लिश डिलीटेड यानी हटाया गया कोर्स 2021, और यहाँ पर लिखा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, सब्जेक्ट इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट, बोर्ड आपका सेकेंड है, 10th क्लास है आपकी, डिलीटेड चैप्टर्स फॉर एग्जामिनेशन 2021, बुक्स का नाम यहाँ पर लिखा है, चैप्टर नंबर लिखा हुआ, नेम भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बुक आपकी टेक्स्ट बुक है गोल्डन रेज, उसके अंदर चैप्टर नंबर सेकंड हटा दिया है, ऑन वायलेंस आपका हटा दिया, उसको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 है ए हीरो, वो भी हटा दिया, उसको नहीं पढ़ना है। आपके पास में बुक है तो उसके अंदर आप इसको डिलीट मार दें, और बाकी आपके अगर ये जो सारे हमने पेज बताए उसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रखें, और हो सके तो इस वीडियो को ही अपने मित्रों को शेयर कर दें कि इस तरह से ये सारे 6 वीडियो और 6 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक प्लेलिस्ट से सबके सब पता चल जाएगा। उसके बाद में 7th लेसन है द लेडी ऑफ द टाइगर, ये भी हटा दिया है। 11th लेसन द बैट्रियल ऑफ फैथ, ये भी आपके हटा दिया। पोएम नंबर 4 आपका एन एलजी ऑन डेथ्स ऑफ ए मैड डॉग, ये आपके हटा दिया गया है, यानी कि कुल मिला के आपके 5 लेसन आपके गोल्डन रेज से हटा दिए हैं, और टेक्स बुक आपकी रिजोल्यूशन है उसके अंदर से आपके 4 लेसन हटा दिए हैं। देखिए आपके कौन कौन से लेसन हटाए, 3rd लेसन हटा दिया जिसका नाम है ग्रोविंग अप पैंस, आपके हटा दिया। 5वां लेसन है पर्पल जार, ये भी हटा दिया है, अच्छे अच्छे पार्ट थे लेकिन हटा दिए हैं। 7th लेसन द मैन हु न्यू टू मच, ये भी हटा दिया है। 10th लेसन आपका हाई महाराजा, ये भी आपके हटा दिया है। तो देखिए इस तरह से आपके ये कोर्स हटाया है, ये यहां पर दिया हुआ ये इंग्लिश का है, बाकी सारे सब्जेक्ट में भी आप विजिट करें, आप जरूर विजिट करें। इन्हीं शब्दों के साथ में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। भगवान आपका भला करे, हे भगवान भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।